गुड मॉर्निंग। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। किसके ऊपर बना रहा हूँ? इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बना रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि अभी काफ़ी लोगों के पास एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ सेविंग्स अवेलेबल है। काफ़ी लोगों के पास एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ सेविंग्स अवेलेबल है। अब उनके पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ पर वो इस सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि बेसिकली अब जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का रेट बहुत हाई है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जो पैसा आज बंदे ने कमाया है 1 लाख रुपये, वो 10 साल 15 साल तक अगर वो अपने घर पे रखा रहेगा तो पैसा बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो जाएगा। पैसा, पैसे की जो वैल्यू आज 1 लाख रुपए की है, 10 साल के बाद क्या बचेगी? 10 साल पहले जो 1 लाख की वैल्यू थी, आज अगर वही 1 लाख रुपए बंदे ने अपने घर पे रखा होता तुम समझ सकते हो कि 10 साल पहले 1 लाख की क्या कीमत थी, उसे क्या क्या चीज़ बंदा खरीद सकता था। और आज वो उस 1 लाख को लेकर निकलेगा तो कहाँ क्या खरीद पाएगा? पहले ज़मीन वगैरह काफ़ी बड़े बड़े चीज़ें वो खर्च खरीद सकता था 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। आज 1 लाख की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। ऐसे आज जो बंदा 1 लाख कमा रहा है, वो लॉन्ग पीरियड के अंदर उस 1 लाख को अगर वो ग्रो नहीं करेगा, 1 लाख ही रखा रहेगा, तो 10-15 साल के बाद उस 1 लाख में बहुत कम चीज़ें वो खरीद पाएगा, उसका परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है बंदा। अब इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से? एक बैंक FD हो गया, जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, इंश्योरेंस में बहुत लोग पैसे लगाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स है। कुछ इक्विटी लिंक्ड है, कुछ इक्विटी लिंक्ड नहीं है, कुछ शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है, कुछ नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत सारे फंड्स हैं जो कि शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग वैल्यू करके तो आपको रिटर्न देते हैं। कुछ ऐसे डेब्ट फंड्स हैं जो कि शेयर मार्केट पर डिपेंड नहीं करते, वो एक फिक्स रिटर्न आपको देते हैं। तो एक कंपैरिजन की कहाँ क्या प्रॉफिट है, कहाँ क्या लॉस है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरे पापा भी जस्ट रिटायर हुए हैं तो, और वो भी इस बात को समझना चाह रहे थे, और मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड के पापा भी रिटायर हुए हैं तो उनके कहने पे भी वो इसको एक फॉर्मल लिखे हुए फॉर्म में, उनको कई बार मैं एक्सप्लेन करता था फोन पर, लेकिन उनको लगता था कि मतलब पापा को भी साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि फोन पे बोली हुई बातें कई 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 बार मैं स्पीड में बहुत कुछ बोल जाता था। बट वो बिकॉज मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है इस पीरियड में जब मैंने ट्रेडिंग की है थोड़ी बहुत, बट उन्होंने नहीं किया है, तो उनको वो सारा कुछ ग्रैस्प करके और एक जगह लिख करके एक नोटेड फॉर्म में रहे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है कि वो उसको बार बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात ये है कि एक प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हम लोग स्कूल लेवल में क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इंग्लिश हिंदी तो खैर ज़रूरी है बिकॉज कम्युनिकेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड लैंग्वेज, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, मैथ्स के अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे होते हो, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, एलजेब्रा जो पढ़ रहे होते हैं, a+b2, बहुत कम लोग इन चीज़ों को रियल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। और रियल लाइफ में जो चीज़ें उसमें चाहिए, इन्वेस्टमेंट में कैसे पैसे को बचाना है, कैसे पैसे को ग्रो करना है, हर किसी को चाहिए, बट ये चीज़ें स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया ताकि समझो कैसे तुम आज जो तुम 10,000-5,000 रुपये कमा रहे हो उसको तुम कैसे करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में नहीं हो सकता, अगर कोई एक दिन में करना चाहेगा, लॉटरी की टिकट खरीद के ले आएगा तो 10,000 रुपये भी जीरो हो जाएंगे उसके। ठीक है, बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तुम उस पैसे को अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ 10-10, 15-15 हज़ार को जोड़ जोड़ के और एक अच्छा रिटर्न रेट निकाल के कंपाउंडिंग करके यू कैन कन्वर्ट इट इंटू क्रोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इंडिया का हर यूथ आज के टाइम पर अवेयर हो जाए, 18-20 ईयर्स के एज ग्रुप वाला, एवरी वन एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, जब वो 60-70 ईयर्स का होगा, जब वो मर रहा होगा, एट दैट पीरियड सबके पास कम से कम 500,000 करोड़ रुपये होंगे सेविंग्स में। 500,000 करोड़ रुपए होंगे अगर वो एक अच्छा बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल जीता है, पैसे बचाता है, वेस्ट नहीं करता पैसे को, और एक अच्छे रेट पे उसको कंपाउंडिंग करता है। और इंडिया कितना बड़ा सुपर पावर बनेगा इमेजिन कर सकते हैं, अगर 130 करोड़ लोग हर एक के पास अगर 500 करोड़ रुपए अवेलेबल हो जाएंगे तो इंडिया कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। बात की कि कैसे हमारे स्कूल स्टडीज में शेयर्स का कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता, शेयर मार्केट के बारे में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं दिया जाता, और हम लोग कैसे सीखते हैं शेयर मार्केट के बारे में? खुद से अपने पैसे मार्केट में डाल डाल के, लॉस खा खा के, गलतियां कर करके हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। इस तरीके से हम लोग पूरा अपना बिल्ड करते हैं अपनी नॉलेज शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत लोग जब लॉस खाते हैं तो कुछ लोग बहुत बड़ा लॉस खा जाते हैं स्टार्टिंग में और क्विट कर देते हैं मार्केट को, भाई हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत लोग आपको मिलेंगे जो ये बताते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, एक गैम्बल है, यहाँ हर कोई फेल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लोग फेल करते हैं वो लोग गलत तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं।
ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत बड़ी संख्या है लोगों की है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत पैसा कमाया शेयर मार्केट से, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि दैट इज रिपीटेबल। ऐसा नहीं कि तुक्के से कभी एक बार कमा लिया, 30-30 साल तक कमाया है कोई एक बंदा, 30-40 साल तक कमा रहा है। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिन लोगों ने 30-40 साल तक कमाया है, तो वो गैम्बल से नहीं हो सकता, तुक्के से नहीं होता, जुए से नहीं हो सकता। जुआ आपका एक दिन काम कर सकता है, दो दिन काम कर सकता है, एक लॉटरी लग सकती है आपकी। अगर आप पूरे लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूसली आप एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट रेट के, मतलब एक कंपाउंडिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे रेट के साथ, इनफैक्ट जो टॉप मोस्ट इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड में, ठीक है, वो उन्होंने 11 इयर्स की एज में ट्रेडिंग चालू की थी, इन्वेस्टिंग चालू की थी बेसिकली 11 इयर्स की एज में, और उनका एज 80, 85, 90 की एज तक भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं और हर साल उतना ही कमा रहे हैं, बहुत ही अच्छे रेट से कमा रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के थ्रू। तो बेसिकली इसका मतलब है कि कुछ तरीके हैं कमाने का मार्केट में जो हमें नहीं आता, हम लोगों ने नहीं सीखा, बिकॉज हमारे पास वैसे एजुकेशन नहीं है, हमारे में ऐसा सिस्टम नहीं है ट्रेडिंग का। लोग शेयर मार्केट को गैम्बल समझते हैं, किताबें नहीं पढ़ते शेयर मार्केट के बारे में, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, कंपनीज की स्टडी नहीं करते, रिपोर्ट्स नहीं स्टडी करते, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, कंट्री में क्या इकोनॉमी के साथ चल रहा है, ऊपर नीचे क्या हो रहा है, इसके स्कोप्स क्या हैं, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कोई अगर आपको डिस्करेज करता है शेयर मार्केट के बारे में कि गैम्बल है या बहुत लोग लॉस खा रहे हैं, तो जो लॉस खा रहे हैं अपनी गलती से लॉस खा रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है अगर इसको ढंग से सही तरीके सीखे, इसके बिजनेस को करने का पूरा पैसा लगाना है, मेहनत लगाना है, टाइम डिवोट करना है, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता पैसा कमाने का, कोई भी शॉर्टकट मेथड कहीं पे भी नहीं होता है, देर इज नो इजी मेथड टू अर्न मनी, ठीक है। अगर आपको मार्केट रिवॉर्ड देगी, आपको पैसा देगी, करोड़ रुपए देगी, उससे पहले वो आपका पूरा टेस्ट लेगी। छोटा सा अगर आप जॉब करने जाते हो तब भी आपका टेस्ट होता है, यहां से आपने घर बैठे बैठे करोड़ों कमाने हैं, ये आपको फ्री में थोड़ी देगी, आपका पेशेंस टेस्ट करेगी, आपके स्किल्स टेस्ट करेगी, किस तरीके से आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स आपने सीखे हैं, मार्केट के अप डाउन टग ऑफ वार सब में आपने लड़ना है, निकलना है पूरे लगातार 20-30 साल तक निकलना है, तब जाके आप अच्छा पैसा बना सकते हो मार्केट से, ठीक है। तो अब शेयर्स होता क्या है, कोई कंपनी मार्केट में शेयर क्यों निकालती है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। शेयर बेसिकली क्या है, तो मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी, आपने आज के डेट में एक कंपनी खोली, ABC प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी कंपनी आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब आपकी कंपनी टाइम के साथ क्या होगी, ग्रो कर रही है कंपनी, आपकी काफी तेजी से ग्रो कर रही है, आपने अच्छा खासा एक पीरियड तक काम किया और आपका एक अच्छा खासा ट्रस्ट मार्केट के अंदर है, लोग आपकी कंपनी को जानते हैं, आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 5-10 साल तक। अब उसके बाद क्या है, आप और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, आप भी मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं, धीरू भाई अंबानी बनना चाहते हैं, टाटा बिरला बनना चाहते हैं, तो बेसिकली आप बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको कुछ पैसे चाहिए अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए। तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका है कि आप बैंक से जाकर लोन ले लो। अगर आपने कोई सा भी सिंपल सा बिजनेस भी करना है, मान लीजिए स्कूल ही खोलना है, कोई सा भी बिजनेस करना है, अगर आपको 5-10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है तुरंत, एट द डे आज की डेट में मुझे आप 5-10 करोड़ का रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं लोन ले लूंगा बैंक से, तो 10 करोड़ का मान लीजिए मैं लोन लेता हूँ और इंटरेस्ट रेट 10% ही मान के चलते हैं, इंटरेस्ट रेट 10% है और 10 करोड़ का लोन है मेरा, तो मुझे हर साल 1-1 करोड़ रुपये देना होगा और कंपाउंडेड है, ठीक है, वो बढ़ता ही जाएगा। तो अगर मेरा बिजनेस चले ना चले, 4-5 साल के अंदर इतनी सी इनकम तो निकलेगी नहीं कि मैं 1 करोड़ का इनकम कमा रहा हूँ बिजनेस से, तो स्टार्टिंग में बहुत बड़ा एक सेटबैक लगता है हैवी लोन लेने से, ठीक है। तो अब क्या है कि जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं उनके पास एक और तरीका होता है, जनरली वो लोग उस तरीके को फॉलो करते हैं, वो बिजनेस आइडिया बेचते हैं अपनी, वो अपने आइडिया जाके लोगों को बताते हैं कि यह हमारा बिजनेस आइडिया है, हम लोग इस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस तरीके से हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉफिट है, हर क्वार्टर बेसिस पे दिखाते हैं कि हमारा ये प्रॉफिट है, हमारे पास इतना कैश पड़ा है, हमारे इतने एसेट्स हैं हमारे पास, ये सारा कुछ वो डिक्लेयर करते हैं, इन्वेस्टर्स उससे अट्रैक्ट होते हैं और इन्वेस्टर्स उसके उसके सब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके बिजनेस में, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कंपनी का ओनर है जिसको पैसे चाहिए, वो क्या करता है कि वो अपने कंपनी की ओनरशिप मार्केट में बेचता है, अपनी कंपनी का ओनरशिप मार्केट में बेचता है, कुछ 25% 30% ऑफ द ओनरशिप ऑफ कंपनी वो मार्केट में बेचता है। कैसे बेचता है, 10 करोड़ रुपये मुझे चाहिए, सपोज करो मुझे कितने चाहिए, 10 करोड़ रुपये चाहिए, ठीक है, मैं मार्केट में 1 करोड़ शेयर निकालता हूँ,
मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, मैंने मार्केट में 1 करोड़ शेयर निकाले, हर शेयर का प्राइस 10 10 रुपए रख लिया मैंने, ठीक है, मैंने मार्केट में 1 करोड़ शेयर निकाले और हर शेयर का प्राइस मैंने 10 रुपये रखा, ठीक है, जैसे ही उतने लोगों ने खरीदा पैसा मुझे मिल गया, ठीक है, बट मैं लायबल नहीं हूँ, मैं आपको कुछ देने के लिए लायबल नहीं हूँ, आपने जो 10 रुपये लगाए, आपने सोच समझ के लगाया, वो आपका टेंशन है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे मेरी कंपनी ग्रो करेगी, मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, मेरी कंपनी ग्रो करेगी, तो मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी मार्केट में, ठीक है। जो आपने 10 रुपये दे के खरीदा है, हो सकता है कि बहुत लोग मेरा मेरे कंपनी के ओनर बनने के लिए 1 शेयर के बदले, मतलब 1/1 कितना, 1 करोड़ शेयर था ना हमारा, 1/1 करोड़ वहाँ पार्ट बनने के लिए लोग 1000 रुपये देने को तैयार हैं, 5000 रुपये देने को तैयार हैं, 25000 देने को तैयार है, 50000 देने को तैयार है, तो आपने 10 रुपये लगाए थे, वो थोड़े टाइम के बाद उसकी वैल्यू 5000 50000 की भी हो सकती है, बिकॉज मैंने आपको अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा दिया है, एक छोटा सा हिस्सा अपनी कंपनी का मैंने आपको दिया, ओनरशिप दिया है आपको। अगर मेरी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, मैं ग्रो करूंगा, मेरी कंपनी ग्रो करेगी, 1000 टाइम्स मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी, 10000 टाइम्स मेरी कंपनी ग्रो हो जाएगी, तो आपके जो 10 रुपये हैं वो भी 10000 टाइम्स बढ़ जाएगा, और वो 10 रुपये आपका बढ़ के 1 लाख रुपये बन जाएगा एक शेयर का। अगर आपने 100 200 शेयर्स खरीदे तो उतने टाइम्स आपके भी पैसे इंक्रीज कर जाएगी। तो बात समझ में आए, तो ये होता है शेयर। लेकिन मैं आपको देने के लिए लायबल नहीं हूँ, अगर मेरी कंपनी डूब जाती है तो आपके 10 रुपये डूब जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फिर मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पर मंथ दूंगा, पर ईयर दूंगा, ऐसा कुछ, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, अगर मेरी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, मैं अपनी तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को कुछ देना चाहता हूँ, मैं उन्हें खुश करना चाहता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मैं उनको कुछ डिविडेंड दे देता हूँ, कि मेरी प्रॉफिट बहुत अच्छी निकल रही है तो मैं 8% डिविडेंड दे दूंगा। 8% किस पे कैलकुलेट होगा, जो स्टार्टिंग में मैंने शेयर निकाला था उसके हिसाब से, मैंने 10 रुपये के हिसाब से 8% कैलकुलेट किया, या 10% कैलकुलेट किया, तो 10 रुपये के हिसाब से 1 रुपया निकला, तो मैं अपने हर एक शेयर होल्डर को 1 रुपये दे दूंगा। अगर 10% का मैं दूंगा तो मैं हर एक शेयर होल्डर को 1 रुपया दे दूंगा ऑन 1 शेयर। किसी ने 1000 शेयर्स खरीदे तो 1000 रुपीज मिल जाएंगे साल के अंदर, बिना शेयर को बेचे, डिविडेंड मिलता है बिना शेयर को बेचे, बट कंपनी का जो प्राइस है जिस पर ट्रेडिंग चल रही है उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। मैंने जो निकाला वो है फेस वैल्यू, मैं जो तुम्हें पैसा दे रहा हूँ बिना शेयर को बेचे, अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट मैं देना चाहता हूँ, अपनी मन से देना चाहता हूँ, मुझ पर कोई फोर्स नहीं है कि मैं दूँ, मैं नहीं भी दे सकता हूँ, मैं दे भी सकता हूँ, मैं अगर देना चाहता हूँ तो वो डिविडेंड मैं आपको पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं डिविडेंड, वो 8-10% का डिविडेंड मैं आपको दे सकता हूँ बेस्ड ऑन फेस वैल्यू, ठीक है। और जिस रेट पे लोग खरीदने को तैयार है आपसे, मेरा ओनरशिप आपने 10 रुपये खरीदा है, लेकिन कोई और बंदा आपसे वो चीज़ खरीदना चाहता है 1000 रुपये में, 2000 रुपये में, 5000 रुपये में, तो वो हो गया मार्केट वैल्यू। 10 रुपये से बढ़ के 5000 10000 50000 कहीं भी पहुँच सकता है, और वो गिर के 10 पैसा 5 पैसा भी पहुँच सकता है, 10 रुपीज़ की वैल्यू करके 5 पैसे भी पहुंच सकती है, 0 भी हो सकती है, मेरी कंपनी डीलिस्ट भी हो सकती है, मार्केट से मेरी कंपनी हट भी सकती है। तो ये शेयर होता है, ये होता है शेयर, ठीक है। अब कंट्री के अंदर कितने शेयर्स हैं, कंट्री के अंदर 5 से 6 हज़ार शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, कंट्री के अंदर 5 से 6 हज़ार शेयर्स लिस्टेड शेयर्स हैं। अब अगर मुझे शेयर निकालनी है अपनी, मैं मार्केट से कुछ इन्वेस्टमेंट उठाना चाहता हूँ, मैं पब्लिक से इन्वेस्टमेंट उठाना चाहता हूँ, तो क्या मैं हर एक पब्लिक के पास जाके बोलूंगा कि भाई मेरे शेयर खरीद लो, मेरे शेयर खरीद लो, मुझ पर भरोसा कर लो, तो ऐसा नहीं होता। इंडिया ने प्रॉपर 2 प्लेटफॉर्म बनाए हैं, एक को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE एंड BSE, ये एक्सचेंजेस हैं। कोई भी बंदा अगर अपनी कंपनी के शेयर बेचना चाहता है तो पहले आता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, अपने पेपर्स दिखाता है कि मेरा क्या बिजनेस है, मेरा बिजनेस प्रॉपरली हर जगह रजिस्टर्ड है, मैंने इतने की प्रॉफिट्स लिए हैं, इतना मेरा इन्वेस्टमेंट था, आज मेरी कंपनी इतने की मार्केट ट्रेडिंग कर रही है, इतने का बिजनेस कर रही है मेरी कंपनी, इतने के टैक्सेस हम लोग पे कर रहे हैं, प्रॉपर सारा कुछ की ये ऑडिट हम लोगों ने करवाया, इस टीम से ऑडिट करवाया, उस टीम से ऑडिट करवाया, गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया है सब कुछ, कितने के हमारे पर लोन्स हैं, इतना हमें कर्ज चुकाना है, सारा कुछ सारे पेपर्स वो दिखाएगा एक्सचेंजेस को। तो एक्सचेंज के पास आपका सारा कुछ होगा, एसेट वैल्यू कितनी है आपकी, आपके कितने आपके ऊपर कर्ज कितना है आपके ऊपर, आपने कितना किसी को देना है पैसा, कितने पैसे आपके बनते हैं जो आपको मिलना है पैसा, आपके कौन कौन से बिजनेसेस हैं, आपके बिजनेस आपने कितना पैसा स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा किया कि अगर आप बैंकक्रप्ट चले जाएंगे तो आपने कुछ पैसा जमा कर रखा है एक्सचेंज के पास, स्टार्टिंग में कुछ लिस्ट करने के टाइम में कुछ लगाना होता है पैसा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब वो सारा प्रोसेस करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज पे एक कंपनी लिस्ट हो जाती है। अब जब लिस्ट हो गई तो उसने एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपना निकाला मार्केट में शेयर,
10 रुपीज़ 20 रुपीज़ जो भी निकाला उसने, उसको फेस वैल्यू कहते हैं उसको। अब पब्लिक फिर उसको खरीद सकती है। पब्लिक क्या देखेगी, पब्लिक एक्सचेंज के पास जाके उन रिपोर्ट्स को पढ़ेगी कि इस कंपनी में क्या दम है। अगर उसको पसंद आता है वो एक्सचेंज, मतलब वो स्टॉक पसंद आता है, तो वो कंपनी को खरीद सकता है, उसकी ओनरशिप खरीद सकता है, एक परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप वो खरीद सकता है। ठीक है, तो ये आइडिया है स्टॉक्स का। स्टॉक कितने टाइप के होते हैं, तो बेस्ड ऑन कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, कितनी ज़्यादा बड़ी है कितनी छोटी कंपनी है, उसके हिसाब से 4-5 कैटेगरी में बांटा गया कंपनी को। एक कैटेगरी है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक मतलब बहुत 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 छोटे कंपनीज, जो आज बस नए नए निकले हैं कंपनीज, पेनी स्टॉक्स। ठीक है, ये बहुत छोटे कंपनी होती है, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $200 मिलियन से भी कम की होती है। ठीक है, $200 मिलियन से भी कम की कंपनी, बहुत सारी तो $20 मिलियन से भी कम की होती है, 2 करोड़ से भी कम की वैल्यू होती है पूरी। जितने भी मार्केट में इसके शेयर्स घूम रहे हैं वो 2 करोड़ से भी कम के होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं, किसी के 20 करोड़ से कम के शेयर्स हैं। ठीक है, तो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन एक वैल्यू से कम है, उसको हम लोग बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। ठीक है, तो ये बहुत छोटी कंपनीज होती है। छोटी कंपनीज का प्रॉब्लम होता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है छोटी कंपनीज के साथ, कि इन पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो ज़्यादा, और इनकी वैल्यूएशन बहुत कम है, इनकी मार्केट में शेयर्स बहुत कम रुपीज़ की है, 2 करोड़ की है, 2 करोड़ बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनके पोर्टफोलियो 2 करोड़ से बहुत ज़्यादा होता है, 20-30-50 करोड़ में ट्रेडिंग करने वाले बहुत लोग हैं मार्केट के अंदर। तो कोई एक बंदा अगर चाहे तो 2 करोड़ वाले जो कंपनी है, मार्केट कैप इसकी 2 करोड़ की है, पूरी कंपनी के शेयर्स उठा लेगा, वो मार्केट से पूरे कंपनी के शेयर्स को उठा लेगा। अब क्या होगा, आपने पढ़ा होगा डिमांड सप्लाई प्राइसेस। ठीक है, तो अगर आपने सारे के सारे शेयर से उठा लिए, आपने सप्लाई खत्म कर दिया शेयर का, सारे शेयर्स तो आपके पास हैं, कोई कहाँ से बेचेगा शेयर, कोई बेच नहीं सकता, सारे शेयर्स आपके पास पड़े हैं, जब बेचेंगे तो आप ही बेचोगे, मोनोपोली हो गया आपका कंपनी पे। अब क्या है कि अब आपने कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बातचीत की और आप लोगों ने मिलजुल कर कंपनी के शेयर को बढ़ाने का एक तरीका सोचा। अब आपने एक अच्छा न्यूज मार्केट में फ्लोट करवा दिया, आपके पास पैसे हैं, आपने 2 करोड़ के शेयर उठाए, आपके पास और भी पैसे होंगे, आप कुछ मीडिया हाउसेस को पैसा दे सकते हो, कोई प्रेस वाले जो है उनको पैसा दे सकते हो, और आपने अच्छे अच्छे न्यूज अपने शेयर के बारे में फैला दिया कि शेयर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आने वाला है, प्रोग्रेस आने वाला है, जो ऑडिटिंग होती है वहां भी बहुत हद तक मैनेजमेंट चलती है, तो आपने सीए वगैरह को मैनेज करके रिपोर्ट्स को थोड़ा मैनेज कर लिया, जो उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आते हैं क्वार्टर बेसिस पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट्स आते हैं उसको आपने अच्छे रिजल्ट्स पब्लिश कर दिया कि आपकी कंपनी एक अच्छी प्रॉफिट बना रही है। अब क्या होगा, अब लोग शेयर खरीदना चाहेंगे क्योंकि आपका शेयर न्यूज़ में चल रहा है, अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं उसके बारे में और उसका रिपोर्ट भी अच्छा आ रहा है, तो लोग शेयर खरीदना चाहेंगे। बट खरीदेंगे कहाँ से, सारे शेयर तो आपके पास पड़े हैं। ठीक है, आज मार्केट में रेट शेयर का मान लो 1 रुपये चल रहा है, बट सारे शेयर्स आपके पास पड़े हैं, लोग खरीदने को आ गए, बहुत सारे लोग खरीदने को आ गए, आपने कहा 1 रुपये में आप खरीद, लोग खरीदना चाह रहे हैं, आपने कहा मैं बेचूंगा ही नहीं 1 रुपये में, मैं 2 रुपये के नीचे नहीं बेचूंगा, अभी रेट चल रहा है 1 रुपये, लोगों ने बिडिंग बढ़ाना शुरू किया, 1 10 पे दे दो भाई, 1 20 पे दे दो, 1.5 पे दे दो, आपने 2 से बढ़ाकर 2.5 कर दिया, तो लोग डिमांड कर रहे हैं, आप बढ़ाते जा रहे हो अपना कॉस्ट, क्योंकि सप्लाई कहीं है नहीं, सप्लाई सारा आपके कंट्रोल में, तो आपने एक इम्बैलेंस क्रिएट किया डिमांड एंड सप्लाई में। तो अब क्या होगा, प्राइस उसकी बहुत तेजी से बढ़ेगी, हो सकता है कि 4-5 दिन के अंदर ही वो 1 रुपये से बढ़ के 5 रुपये पहुंच जाए, 5 रुपये से बढ़ के वो 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये पहुंच जाएगा, तो उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये एक आर्टिफिशियल मैनिपुलेटेड मार्केट है, पेनी स्टॉक्स के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या है कि आपने 1 रुपये का बढ़ा के 25-30-50 रुपये का पहुंचा दिया, और आपने 50 रुपये में जो आपके पास 2 करोड़ रुपये का 2 करोड़ शेयर्स थे, अगर आपने 1 रुपये के प्राइस पे 2 करोड़ शेयर उठा रखे हैं, 2 करोड़ रुपये का शेयर उठा रखा है आपने, आपने एक साथ 2 करोड़ शेयर्स 50 रुपये के रेट पे बेच दिए, आपने कितना पैसा कमा लिया, 100 करोड़ आपने कमा लिया, 100 करोड़। लेकिन जिस पब्लिक ने वो पैसा वो शेयर खरीदा है 50 रुपये का, उसके साथ क्या होगा, जिस पब्लिक ने 50 रुपये में शेयर खरीदा है, अब क्या है कि लोगों को समझ में आया कि ये तो मैनिपुलेटेड मार्केट था, इतने का तो इसका बनता नहीं है प्राइस, हो सकता है कि जो न्यूज़ था अब न्यूज़ फ्लो भी बंद हो जाएगा धीरे धीरे, कि कंपनी के कभी ना कभी ओरिजिनल ऑडिट भी होगी, जो अच्छी से ऑडिट होगी, अच्छी टीम में गवर्नमेंट की तरफ से आएगी जो आपको ऑडिट करेगी सारा कुछ, और आपके फाइनेंशियल्स निकल के आते हैं कि आपके तो लॉसेस चल रही हैं, आपने कुछ भारी लॉस कर लिया है, आपके लॉसेस आ गए। अब वो 50 रुपये का शेयर जब गिरना शुरू होगा ना, तो बहुत भारी गिरावट होगी उसके अंदर। रीज़न क्या है, आपने एक साथ कितने शेयर्स बेचे, आपने 2 करोड़ शेयर्स एक बार में बेचा, जब आपने एक साथ बेचा लोगों ने खरीद लिए लालच में आकर, अब जब वो लोग बेचना चाहेंगे जल्दबाजी में वो बेच के निकलना चाहेंगे,
अब एक साथ कोई 2 करोड़ शेयर्स का सेलिंग का ऑर्डर आ रहा है, अब उल्टा है, अब डिमांड ही डिमांड है मार्केट के अंदर, सप्लाई मतलब बेसिकली सप्लाई सप्लाई है मार्केट के अंदर, डिमांड नहीं है। आप सप्लाई कर रहे हो 2 करोड़ शेयर्स, लेकिन कोई खरीदना नहीं चाह रहा, सबको पता है कि ये शेयर तो फर्जी सा का शेयर है, इसको तो फेक तरीके से चढ़ाया गया था, अब पता नहीं कितना गिरेगा ये, कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा इसको। आप बेचना चाह रहे हो, करोड़ों शेयर्स बेचना चाह रहे हैं लोग, और कोई खरीदना नहीं चाह रहा, शेयर का प्राइस बिल्कुल गिरता जाए गिरता जाए गिरता जाएगा, और वो बिक भी नहीं पाएगा, इस बीच में बिक भी नहीं पाएगा, बिकॉज कोई खरीदने वाला नहीं है। 50 रुपये से गिरते 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 उसका प्राइस 1 रुपये से भी नीचे आ जाएगा, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे तक भी उतर आएगा वो शेयर। कभी कभी वो डिलीस्ट हो जाती है, कंपनी में ट्रेडिंग ही नहीं होती बहुत दिनों तक, वो कंपनी डिलीस्ट हो जाती है, तो आपके पास वो फर्जी से कागज पड़ा होगा शेयर का, मार्केट में ट्रेडिंग बंद हो चुकी होगी, और आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। तो पेनी स्टॉक में ये रिस्क बहुत हाई होता है। जो लोग ऐसा काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स ये काम करते हैं कि वो फर्जी तरीके से मैनिपुलेट करके एक साथ बहुत सारा शेयर उठा लेते हैं, एक फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और कंपनी के शेयर्स के दाम को बढ़ाते हैं, और एक साथ इकट्ठा बेच के चले जाते हैं। जिन लोगों ने महंगा शेयर खरीदा है, फिर उनकी गिरावट आती है, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। पेनी स्टॉक्स में ये प्रॉब्लम आती है। तो पेनी स्टॉक्स थोड़ा कम डिपेंडेबल है, ग्रोथ ज़्यादा दे सकते हैं आपको, लेकिन बहुत कम डिपेंडेबल है, ऐसी चीज़ों के पंगे में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ही खतरनाक ट्रेडिंग है ऐसा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, अगर आप करोड़पति इंसान हो, आप मैनिपुलेट कर सकते हो मार्केट को, फिर तो ठीक है। या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप छोटे अमाउंट से ऐसा खिलवाड़ करना चाहते हो, कि आपको पता है कि ऑपरेटर ने चला रखा है शेयर को, आप 5-10 हज़ार रुपये डालना चाहते हो, और आपके पास करोड़ों रुपये हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि 5 हज़ार डूब जाए, तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि 5 हज़ार से हो सकता है बढ़ के आपको 50 हज़ार दे दे वो, बहुत कम टाइम के अंदर। लेकिन ये बहुत ही रिस्की काम है, किसी भी समझदार इन्वेस्टर को, किसी भी ऐसे बंदे जिसके पैसे लिमिटेड हैं, उसको ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए मार्केट के अंदर। ये हो गया पेनी स्टॉक्स, इससे इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सेकंड कैटेगरी है स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये कौन से जो छोटी कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं। अब छोटी कंपनी 2 कारण से हो सकती है, एक ये हो सकता है कोई कंपनी नई नई स्टार्ट हुई, तो छोटी कंपनी होगी जब नया नया स्टार्ट हुआ है। तो छोटी कंपनी अगर कोई नई कंपनी है, उसके पास बहुत बड़ा ग्रोथ का स्कोप होता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम करेगी 20 साल 30 साल, तो बहुत ग्रो कर सकती है वो, ठीक है। तो बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसी कंपनी को ढूंढते रहते हैं कि छोटी कंपनी जिसमें अच्छी मैनेजमेंट हो, जिसके पास अच्छा विजन हो, कुछ अच्छे सेक्टर में वो काम कर रहा है, वो उसके पास बहुत बड़ा स्कोप है ग्रो करने का अपने काम को, उसके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, ठीक है, और ऑनेस्ट कंपनी है, ऑनेस्ट मैनेजमेंट है वहाँ की, स्कैम वगैरह नहीं करना चाहते, तो लॉन्ग टर्म में अगर अच्छा एक प्रॉफिट दिखा रहे हैं, वो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये पेनी स्टॉक जितने रिस्की नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल कैप कंपनीज, ये एक कारण से स्मॉल कैप हुआ। एक और कारण से हो जाता था कि जब बड़ी कंपनी थी, कोई पुरानी बड़ी कंपनी है, वो गिरते 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 छोटी कंपनी बन गई, उसमें नुकसान इतना हुआ कि वो उसका बिजनेस मॉडल फेल हो गया, और वो फॉल करते करते स्मॉल बन गई। ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। कोई नई कंपनी अगर स्टार्ट हुई है, आपको उसका बिजनेस आइडिया अच्छा लगता है, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं लंबे पीरियड के लिए, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर छोड़ सकते हैं, और लंबे पीरियड में एक अच्छा ग्रोथ वो दे सकते हैं आपको। लेकिन कोई बड़ी कंपनी गिर रही है अगर किसी खराब न्यूज़ के कारण, तो उसको मत उठाना, ठीक है। स्मॉल कैप क्या होता है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $200 मिलियन और $2 बिलियन के बीच में हो, $200 मिलियन और $2 बिलियन के बीच में हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, मार्केट कैप क्या होता है, ये होता है कंपनी कितने शेयर मार्केट के अंदर है, कंपनी ने कितने शेयर मार्केट के अंदर निकाले हैं, और हर एक शेयर का प्राइस कितना है, ठीक है। कंपनी ने अगर 1 करोड़ शेयर निकाले हैं मार्केट के अंदर, और हर एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है। 1000 रुपये का, तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा कंपनी का, तो ऐसे, ठीक है। तो जितनी छोटी कंपनी उसमें अगर सब कुछ अच्छा है, तो उसमें ग्रोथ का स्कोप ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जितनी छोटी कंपनी उतना रिस्क हाई होगा, बिकॉज उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है। जितनी बड़ी कंपनी, उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, उसके सारे शेयर्स खरीदने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, कोई एक बंदा उसको खरीद नहीं सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा फेयर होता है, मतलब जो बाय सेल होता है वो थोड़ा फेयर होता है, ठीक है। तो बड़ी कंपनी जनरली एक अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न देती है। छोटी कंपनी का बहुत अप डाउन होता है, बहुत ज़्यादा दे देगी, बहुत कम दे देगी, बहुत ज़्यादा चढ़ गई, बहुत ज़्यादा गिर गई, छोटी कंपनी से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप कौन से होते हैं, जो थोड़े बीच बीच वाले कंपनीज हैं, जो पहले छोटे थे अब थोड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो बीच वाले जो कंपनीज हैं, इनका मार्केट कैप होता है $2 बिलियन से $10 बिलियन के बीच में। अब ये बीच बीच के हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें बीच की हैं, इसमें रिस्क भी थोड़ा बीच में है, बहुत हाई रिस्क भी नहीं है,
और इसमें रिटर्न भी जो है रिलेटिवली बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा लोग मिड कैप को चूज़ करते हैं, पसंद करते हैं मिड कैप में इन्वेस्ट करना, लेकिन अपने सारा का सारा पैसा मिड कैप में मत डालिएगा, थोड़ा रिस्क होता है इसके अंदर। ठीक है, अपना मैक्सिमम पैसा आप डाल सकते हैं बड़ी कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनीज जिसको हम लोग बोलते हैं लार्ज कैप, अपना मैक्सिमम पैसा हमेशा लार्ज कैप के अंदर डालिए, जो बहुत बड़ी कंपनी है जिनका मार्केट कैप 10 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है, बहुत 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 बड़ी कंपनी, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो ऐसी बहुत बड़ी कंपनीज जो है लार्ज कैप कंपनीज इनका मार्केट कैप 10 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, ये बहुत ट्रस्टेबल कंपनी है, इन लोगों ने 25-30 साल 40 साल तक लगातार अच्छा काम किया है मार्केट के अंदर। ठीक है, तब ये इतनी बड़ी कंपनी बनी है, ये हर साल 25-30% का एक अच्छा रिटर्न दे देती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपका 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 साल में पैसा डबल कर देगा ये आपका, एक अच्छा रिटर्न रेट होता है 30% के आसपास, यहाँ पे 25-30% का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न, कभी कभी 40 भी हो सकता है, कभी कम होकर 15 भी हो सकता है, वैरी करता रहता है, बट एक अच्छा रिटर्न होता है इसका। ठीक है, लार्ज कैप, और यहाँ रिस्क बहुत ही कम होता है, इनमें रिस्क बहुत ही कम होता है, और अगर कोई मेजर फॉल इसके अंदर आएगा तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। ठीक है ना, तो जैसे ही कोई बहुत ही खतरनाक न्यूज़ आ गई कि अब इसमें कुछ निगेटिव हो गया कंपनी के अंदर, कोई स्कैम निकल आया कंपनी के अंदर, तुरंत वहां से आप निकल जाओ, क्योंकि बहुत तेज मतलब अगर गिरेगा तो फिर बड़े से छोटा कंपनी बनता जाएगा, तो आपका पैसा कम होता जाएगा टाइम के साथ। ठीक है, लेकिन इसको ट्रैक करना आसान है, इसको ट्रैक करना आसान है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज, छोटे छोटे न्यूज भी मार्केट में बहुत बड़ा न्यूज बन जाता है, बहुत छोटी कंपनीज के अंदर बहुत बड़े खबर भी आएंगे तो वो लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन बहुत 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 बड़ी कंपनीज है, उनकी छोटी छोटी बातें भी पूरे दुनिया को हिला देती है। ठीक है, तो बड़ी कंपनीज में आप थोड़े सेफ होते हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट का बड़ा फ्रैक्शन आपको लार्ज कैप में रखना चाहिए, छोटा सा फ्रैक्शन मिड कैप में डाल सकते हैं, उससे भी छोटा सा फ्रैक्शन आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बेसिक्स की, फाइनेंस की, अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि कंपनी के फाइनेंसेस कैसे हैं, अच्छी फाइनेंसेस है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, आप थोड़ा पैसा डाल सकते हैं स्मॉल कैप में, समझ नहीं है तो मत डालो, अगर समझ नहीं आती चीज़ें तो मत डालो। ठीक है, और पेनी स्टॉक्स को जहां तक हो सके अवॉइड करो, पेनी स्टॉक्स में वही लोग डालें जिनको जुआ खेलना हो, 5-10 हज़ार रुपये डाल के चाहे तो मेरा जीरो बन जाएगा, चाहे 5 हज़ार का 50 हज़ार बन जाएगा, ऐसे अगर जुआ खेलना चाहता है कुछ थोड़े बहुत अमाउंट के साथ, 1,000, 2,000, 5,000 के साथ, तो पेनी स्टॉक्स में प्ले कर सकते हैं, पेनी स्टॉक्स के प्राइसेस जनरली 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपये ऐसे चल रहा होता है, बट इसमें बहुत हाई चांसेस है कि आपका पूरा का पूरा पैसा जीरो बन जाएगा, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो जीरो बनने का चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, तो पेनी स्टॉक्स एक तरीके से गलत तरीका है मार्केट में काम करने का, मार्केट में काम करने का बेस्ट तरीका है लार्ज कैप स्टॉक्स, और एक जनरल मैं बताऊंगा कि अगर आप आपका एक टारगेट होगा कि आप इतना साल में कमाना चाहते हो शेयर मार्केट से, अगर आपको 2 लाख रुपए कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, जो भी आपको कमाना है मार्केट से, तो आप कभी भी अपने परसेंटेज रिटर्न को बढ़ाने की कोशिश मत करो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। अगर मार्केट में आप देख रहे हैं कि आसानी से आप 20% मार्केट में कमा पा रहे हो, मार्केट में आप 20% आसानी से कमा पा रहे हो और आपको 2 लाख कमाना है, ठीक है, तो बेटर है कि आप 10 लाख इन्वेस्ट करो। ये तो एक तरीका हुआ कमाने का, और एक और तरीका 2 लाख कमाने का क्या होता है कि आप 1 लाख ही इन्वेस्ट करो और आप 1 लाख से 1 लाख कमाने की कोशिश करो, आप 100% रिटर्न निकालने की कोशिश करो 1 साल के अंदर। तो जितना आप हाई परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकालने की कोशिश करोगे आप उतना अधिक रिस्क में रहोगे, आपकी रिस्क उतनी ही ज्यादा रहेगी। 10 लाख से 2 लाख कमाना आसान है, 20% रिटर्न निकालना मार्केट से आसान है, लेकिन कोई बंदा अगर चाहे कि मैं दो लाख लगाऊं, ठीक है, 1 लाख से आप 1 लाख का प्रॉफिट निकाल रहे हो तो आप 1 ही लाख निकाल रहे थे एक्चुअली, आप 200% रिटर्न निकालना, 1 लाख से अगर 2 लाख कमाओ तो आप 200% रिटर्न निकालना चाहते हो, अगर आप 2 लाख रख के 2 लाख निकालो तो आप 100% रिटर्न निकालना चाहते हो, तो बहुत हाई रिस्क एरिया है। तरीके हैं, तरीके बहुत सारे हैं कि आप 1 लाख से आप 2 लाख 3 लाख भी कमा सकते हो मार्केट से 1 साल के अंदर, तरीके हैं, बट इसमें बहुत हाई चांसेस है कि आपका 1 लाख जीरो ही बन सकता है। जब आप बहुत हाई रिस्क वाला काम करते हो तो आपका पैसा गिरने का चांस भी उतना ही ज्यादा है। जितना आप सेफ रिटर्न कम रिटर्न चाहोगे आपके पैसे के गिरने का चांस भी उतना कम होता है। ठीक है, आप जितना हाई रिटर्न चाहते हैं आपके गिरने का चांस भी उतना ज्यादा होता है। जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड, जितना हाई रिस्क लोगे आप उतना हाई रिवॉर्ड लोगे और आपके परसेंटेज ऑफ सक्सेस, चांसेस ऑफ सक्सेस उतना कम होता जाएगा। जितना रिस्की ट्रेड उतना अधिक रिवॉर्ड बट उतना कम चांस है आपके सक्सेस का। ये पॉइंट है इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग दोनों टाइप्स में, वो हम लोग बात करेंगे क्या क्या तरीके होते हैं कमाने का मार्केट से पैसा, हम लोग आगे चल के देखेंगे। ये 4-5 तरीके के स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, बात समझ में आ गई। और मार्केट में
ये देखा गया है कि कंसिस्टेंटली एक अच्छी तरीके से अगर आप पैसा लगाते हो, कंसिस्टेंटली अच्छी तरीके से आप अपनी माइंडसेट अच्छी है, डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो, तो मार्केट से पैसे लोग कमाते हैं, कई साल तक कमाते हैं, 30-40 साल तक कमाते हैं, लाखों लोग कमाते हैं, तो ऑब्वियसली ये कोई जुआ नहीं है, बस आपका तरीका सही होना चाहिए और आपको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। सबसे प्रॉब्लम है डिसिप्लिन का। जब पैसे आते जाते हैं ना, आपके पॉकेट से पैसा निकलता है या आपको अचानक से बहुत सारा पैसा दिखाई देता है, तो लालच में आप कुछ गलत डिसीजन ले लेते हो या आप डर में कुछ डिसीजन गलत ले लेते हो, और वहां आपकी गलतियां जो हैं वो आपको भारी पड़ जाती हैं। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके आपको डिसिप्लिन से काम करना है, एक रोबोट की तरह आपको मार्केट में काम करना है, रोबोट की तरह, कि आपको जो रूल्स के हिसाब से ट्रेनिंग दे दी गई आपको उसी रूल से फॉलो करना है। आप अपने इमोशंस को कभी भारी नहीं होने दे सकते हो कि आपका इमोशंस कह रहा है कि फायदा आ रहा है, फायदा आ रहा है, रुके रहते हैं और फायदा आएगा और फायदा आएगा, तो तुम कहीं बेच ही नहीं पाओगे शेयर। शेयर गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, अभी रुके रहते हैं, वापस में रेट आएगा तब निकलेंगे, तो आप बेच ही नहीं पाओगे शेयर, तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल है यहाँ का, क्लियर है? और देखते हैं, हम समझते हैं मार्केट के बारे में, काफी सारे वीडियोज बनेंगे इस बारे में। ठीक है, देखते हैं। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, पेनी स्टॉक्स। इसके लिए एक पॉइंट ध्यान में रखना कि ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट होता है। हो सकता है कि इंडिया में जो मिड कैप में आ रहा है वो यूएस के मार्केट के हिसाब से उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पेनी स्टॉक में ही लाई करे। करेंसी का डिफरेंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का करेंसी का डिफरेंस होता है। तो एक्जैक्टली अगर डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे वगैरह वगैरह, हो सकता है कि इंडिया में जो बड़ी कंपनीज है वो यूएस वगैरह में इतनी बड़ी कंपनी में काउंट नहीं की जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट होता है पेनी स्टॉक का डेफिनेशन, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का डेफिनेशन, एंड टाइम टू टाइम भी चेंज होता रहता है। पहले जो ये बेसिकली है कि अमीर आदमी गरीब आदमी की तरह के, जो अमीरी का जो डेफिनेशन होता है, कितने से ऊपर वाले को अमीर मानेंगे, इतने से कम वाले को गरीब मानेंगे, ये अमाउंट चेंज होता रहता है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैंने जो डेफिनेशन उठा रखा है, मैंने इन्वेस्टोपीडिया साइट से उठा रखा है। ठीक है, और क्या खास बात है, टाइम टाइम चेंज होगा, डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट होगा। बस एक रफ आइडिया क्या है कि एक वैल्यू के नीचे पेनी स्टॉक, उसके ऊपर एक और वैल्यू के बीच में क्या है स्मॉल कैप, जो थोड़ी छोटी कंपनीज है, उसके ऊपर एक और वैल्यू आएगी, उसके बीच में जो होगी मिड कैप होगी, मिड कैप वाले अमाउंट से भी ऊपर जो है वो सारे लार्ज कैप है, जो बहुत जायंट कंपनीज है, बहुत बड़ी कंपनीज। जितनी बड़ी कैपिटल की कंपनी उतना हम लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। उसके सारे शेयर्स को कोई एक बंदा खरीद नहीं सकता, बहुत महंगी कंपनी है, तो अलग अलग लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो प्राइस मैनिपुलेशन इतना पॉसिबल नहीं होता। छोटी कंपनी के साथ रिस्क होता है कि एक ही बंदा सारे शेयर्स खरीद के मार्केट में एक शॉर्टेज ऑफ शेयर्स क्रिएट कर देगा, डिमांड सप्लाई में एक इम्बैलेंस कर देगा, सडनली वो सप्लाई ही खत्म कर देगा, शेयर्स ही नहीं है मार्केट के अंदर, क्या होगा? अब डिमांड अगर थोड़ा भी क्रिएट करता है वो फेक न्यूज़ क्रिएट करके, तो पागलों की तरह लोग खरीदना चाहेंगे उस शेयर को, कि शेयर बढ़ता ही जा रहा है, प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, कोई बेचने को भी नहीं मिल रहा है। बंदा खुद ही बोलेगा कि मैं नहीं बेचूंगा 2 रुपये में, 2.5 रुपये में, 2.5 में भी नहीं बेच रहा, 3 बोलो 3 में भी नहीं बेच रहा। तो डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम क्रिएट करके वो प्राइस को बढ़ाते हैं और फिर सडनली गिरा देते हैं। उसको बोलते हैं पंप एंड डंप सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? पंप द प्राइस एंड देन डंप द क्वांटिटी, पंप एंड डंप। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड जो पॉइंट है, वो है मार्केट इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? तो अब क्या है बेसिकली कि जब न्यूज़पेपर में छपता है ऐसा कि मार्केट डूब गई, मार्केट बहुत ही राइज कर रही है, इंडियन मार्केट 2 साल के अंदर मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 20% का रिटर्न दिया है, 18% का रिटर्न दिया है, तो हम लोग क्या मीन करते हैं? हम लोग ये मीन करते हैं, अब 6,000 स्टॉक्स को, तो हर एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखोगे तो पागल हो जाओगे, हर स्टॉक को देख नहीं सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब तुम ये सुन रहे हो कि मार्केट डूब रही है, मार्केट डूब रही है, तुम देख सकते हो कोई स्टॉक ऐसा होगा जो उस टाइम में भी हो सकता है कि हर 10 दिन में वो डबल हो जा रहा है, हर 20 दिन में वो डबल हो जा रहा है, ऐसे भी स्टॉक्स मिलेंगे तुमको। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होंगे जो चढ़ते हुए मार्केट देख रहे हो, मार्केट चल रहा है, मार्केट चल रहा है, और कोई एक दो शेयर ऐसे हैं, एक दो नहीं हजारों शेयर ऐसे मिलेंगे जो गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। जब हम लोग बात करते हैं मार्केट की, जब न्यूज आता है मार्केट का, तो हम लोग हर एक शेयर की बात नहीं करते। छोटे मोटे शेयर्स, पेनी स्टॉक्स तो यार रोज से गिरते पड़ते रहते हैं, बहुत सारे स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे डेली 10% नीचे गिरते हैं वो अपने रेट से, और कभी कभी उनका उनके अंदर कुछ गेम खेला जाता है तब वो डेली का 8% 10% ऊपर चढ़ रहे होते हैं। पेनी स्टॉक्स, मैं पेनी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक्स में बहुत सारे गेम खेला जाता है कि ऊपर नीचे खेलते रहते हैं, ये ऑपरेटर करते हैं इस चीज को। अगर उसको साइडलाइन कर दिया जाए, वो हमारा मार्केट नहीं है, हम लोग वो मार्केट नहीं समझते। मार्केट का एक्चुअल मतलब क्या है हमारा? जब हम लोग मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट कहने का मतलब हमारे मुताबिक है कि इंडिया के जो टॉप बड़े कंपनीज हैं उनके साथ क्या हो रहा है,
मतलब जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनके साथ क्या हो रहा है? अगर वो ग्रो कर रही है तो मतलब इंडियन मार्केट स्ट्रांग है और इंडियन मार्केट ग्रो कर रही है। वो कभी फॉल कर रहा है इसका मतलब कि इंडियन मार्केट कमजोर हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। सिर्फ टॉप बड़े कंपनीज, मतलब 6,000 कंपनीज में से सिर्फ 50-100 कंपनीज टॉप वाले, सिर्फ उनको देखते हैं कि वो कैसा कर रहे हैं परफॉर्म। पूरी कंट्री के हर एक स्टॉक को नहीं देखते। 5,000 स्टॉक, 5,500 स्टॉक ऊपर जा रही है हमें मतलब नहीं। अगर टॉप की कंपनीज गिर रही है मतलब इंडियन मार्केट वीक हो रही है। ये होता है इंडेक्स, ठीक है। तो जो निफ्टी सेंसेक्स, तुमने नाम जरूर सुना होगा। तो निफ्टी क्या होता है? निफ्टी होता है टॉप 50 कंपनीज, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेड मतलब कि सबका जो हिस्सा होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे रिलायंस है, अगर रिलायंस 2% बढ़ेगा उसका फर्क निफ्टी पे कुछ अलग पड़ेगा, ठीक है। और अगर HDFC बढ़ेगा 5% तो उसका फर्क कुछ और पड़ेगा। कोई एक छोटा सा शेयर मान लो यस बैंक है, यस बैंक अगर 2% गिर जाता है उसका फर्क 10% भी गिर जाता है तो निफ्टी पे उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो निफ्टी 50 कंपनीज का एक एवरेज जरूर है, लेकिन हर एक की वैल्यू बराबर बराबर नहीं है। टॉप इंडिया के 50 कंपनीज, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, ठीक है, इसके अंदर 50 अलग अलग कंपनीज है। लेकिन रिलायंस अगर कभी तुम देखो कि 100 पॉइंट बढ़ा है रिलायंस, तो उसका असर ये पड़ेगा कि निफ्टी जो है 50-60 पॉइंट्स ऊपर दिखाई देगा तुमको, ये 80 पॉइंट्स ऊपर दिखाई देगा सिर्फ अकेले रिलायंस के दम पे। पूरी मार्केट गिरी हुई है तब भी एक शेयर उसको खींच देता है ऊपर, बिकॉज रिलायंस का वेटेज ज्यादा है, ठीक है। जो टॉप की जो 5-10 कंपनीज है जिसकी मार्केट कैप बिल्कुल टॉप की 5-10 मार्केट कैप वाली कंपनीज है, उनका असर निफ्टी पे ज्यादा होता है। ये वेटेड एवरेज इसको बोलते हैं, वेटेड एवरेज। इक्वल एवरेज नहीं, ऐसा नहीं कि टोटल काउंट किया अपॉन 50 कर दिया, ऐसा नहीं होता है कि हर एक का प्रॉफिट लॉस देखा अपॉन 50 कर दिया, ऐसा नहीं होता है। देखते हैं कि बड़ी कंपनीज कितना ज्यादा ग्रो की है। जितनी बड़ी कंपनी जितनी ज्यादा ग्रो करेगी उतना इंडियन मार्केट ग्रो करेगा। बात समझ आए? तो हमारे पास दो इंडेक्स है, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। तो निफ्टी 50 इज द वेटेड एवरेज ऑफ लार्जेस्ट 50 मार्केट कैप कंपनीज प्रेजेंटली। ये टाइम टू टाइम चेंज होती है, कंपनी टाइम टू टाइम चेंज करती है। सेंसेक्स क्या होता है? 30 लार्जेस्ट कंपनीज का एक एवरेज होता है, वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेज ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। जितना ज्यादा मार्केट कैप है मतलब उतना इंपॉर्टेंट है वो कंपनी इंडिया के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? इफ अ स्मॉल कंपनी ग्रोज इट्स मार्केट कैप इंक्रीजेस एंड इट कैन ओवरटेक सम कंपनी इन द लिस्ट। अब बेसिकली क्या होता है कि ये लिस्ट चेंज क्यों होती है, लिस्ट कब चेंज होती है और क्यों चेंज होती है? तो हर 2-3 साल के बाद लिस्ट के अंदर कुछ कुछ चेंजेस होती है। लिस्ट में चेंज क्यों होती है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आज जो बड़ी कंपनी दिखाई दे रही है, तुम्हें आज कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी दिखाई दे रही है, ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड निकल के आ जाए, कोई स्कैम निकल के आ जाए। जैसे बड़ी कंपनी थी जेट एयरवेज, कर्ज में डूब गया, कंपनी का हाल बुरा हो गया, कंपनी बंद हो गई। यस बैंक का शेयर, यस बैंक एक टाइम में बहुत अच्छा बैंक माना जाता था, लेकिन कंपनी के अंदर बहुत हैवी स्कैम हुआ। स्कैम होने के कारण कंपनी बिल्कुल, कंपनी ने लोन बांटे, बैंक ने लोन बांटे, लोन के पैसे वापस नहीं आए, कंपनी में PNB में बैंक के अंदर हुआ लोन का घोटाला। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि कंपनी का फाइनेंशियल्स खराब हो गया, कंपनी डूब गई। तो कंपनी में जब गिरावट आती है तो बेसिकली उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है, बिकॉज जो प्राइस ऑफ शेयर है अब लोग इतना पैसा देकर खरीदना नहीं चाहते उसका ओनरशिप, तो वो वैल्यू गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है। तो मार्केट कैप कंपनी का कम होता जाता है। तो मार्केट कैप कंपनी का जब कम हो जाएगा, वो 50 से बाहर हो जाएगी, इंडिया के टॉप 50 कंपनी के अंदर अगर वो नहीं आती है तो लिस्ट के बाहर हो जाएगी, ठीक है। कोई और स्ट्रॉन्ग शेयर, कोई और स्ट्रॉन्ग शेयर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, छोटा शेयर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो बड़ा होता जाएगा, वो टॉप 50 कंपनी के अंदर आ जाएगा और फिर वो उसके अंदर घुस जाएगा। तो लिस्ट में चेंजेस आती रहती है। हो सकता है कि आज रिलायंस जो टॉप कंपनीज में से है वो कल किसी टाइम पे हो सकता है कि कुछ खराब हो जाए उसके साथ और वो लिस्ट के बाहर आ जाए। और हो सकता है कोई छोटा मोटा शेयर जो आज के टाइम पे ठीक ठाक सा परफॉर्म कर रहा है, डाबर इंडिया वगैरह का शेयर है, कोल इंडिया का शेयर है, कोई भी शेयर मान लो कि जो बाद में आउट परफॉर्म कर जाए मार्केट को। जनरली हम लोग कह सकते हैं कि दारू वगैरह के शेयर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिकॉज उनका डिमांड इन इलास्टिक डिमांड है। चाहे इकोनॉमी अच्छी हो चाहे इकोनॉमी खराब हो, जो पीने वाले वो पियेंगे ही पियेंगे, तो बेसिकली उनमें लंबे पीरियड में अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है। या कोई और हो सकता है, FMCG का प्रोडक्ट हो गया, फार्मा का प्रोडक्ट हो गया, कोई भी कभी भी ग्रो कर सकता है और वो ओवरटेक करके इस लिस्ट के टॉप पे आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चेंज होते रहते हैं, ये बहुत डायनामिक होता है, हर 2-3 साल में ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर तुम देखो 15-20 साल का हिस्ट्री, तो हर
15-20 साल के पुराने लिस्ट को अगर तुम कंपेयर करो तो टॉप 50 में से सिर्फ एक दो कंपनी सेम होती है, बाकी कंपनी का फ्यूचर इधर उधर होता रहता है, कोई राइज करता है कभी फॉल होता है। तो बेसिकली तुम्हारा काम है ये पहचानना है कौन सी कंपनी राइज करेगी, कौन सी कंपनी कंसिस्टेंट रहेगी और कौन सी कंपनी फॉल हो रही है, तुमको वहां से निकलना है। तो बेसिकली योर वर्क इज एंट्री, कब तक तुम्हें होल्ड करना है, कब तुम्हें एग्जिट करना है। अगर ये टाइमिंग तुम्हारी सही रही या तुम्हारे पास कोई अच्छा प्लान है, कोई अच्छी स्ट्रेटजी है इस चीज को एग्जीक्यूट करने की, यू विल एंड अप मेकिंग ह्यूज ह्यूज प्रॉफिट, जो तुम्हें बैंक तो छोड़ दो, तुम्हें कोई जॉब कोई खुद कोई नहीं दे सकता। तुम उस बिजनेस के ओनर हो, तुम या रिलायंस कंपनी के ओनर हो, समझ रहे हो तुम क्या हो, HDFC बैंक के तुम ओनर हो। तो इतनी बड़ी बड़ी बैंक कहाँ से शुरू किया उन लोगों ने, एक दो बैंक के ब्रांचेस से वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई, पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग हो रही है उनकी। तुम उतने बड़े चीज के ओनर बन जाओगे तो तुम समझ सकते हो तुम कितने बड़े बन सकते हो एक लॉन्ग पीरियड के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टॉक मार्केट का जीस्ट, ये स्टॉक मार्केट का जीस्ट है। कम मार्केट का परफॉर्मेंस इज एक्चुअली जज्ड बाय द टॉप कंपनीज, और इसको ही देख करके बाहर के फॉरेन इन्वेस्ट फॉरेन के लोग पैसा डालते हैं मार्केट के अंदर। इंडिया के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आनी है तो ये जो इंडेक्स है ना इसको अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। ये अगर वर्ल्ड के बाकी सारे इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो फॉरेन वाले इन्वेस्टर अपनी कंट्री में पैसा नहीं डालेंगे, तुम्हारे पास आके पैसा डालेंगे, बिकॉज उनको दिखाई देता है एक फ्यूचर, उनको दिखता है कि इंडिया में ग्रोथ का स्कोप ज्यादा है एज कम्पेयर टू US। अगले 15 साल के अंदर US में जितना पैसा उनका ग्रो करेगा उससे ज्यादा इंडिया में ग्रो कर सकता है किसी अच्छे टॉप की कंपनीज में, टॉप लार्ज कैप कंपनीज में। तो वो इंडिया में आएंगे और टॉप की कंपनीज को चूज करके स्टडी करके उसमें पैसा डालेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। और कुछ होते हैं इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, तो वो भी इनको स्टडी कर रहे होते हैं और वो पैसा डालते हैं। आगे बात समझ। इसी तरीके से तुम्हारे पास जो भी पैसा है, तुम अपने पैसे के तुम मालिक हो, तुम्हारे पास 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपए, तुम अपने पैसे के मालिक हो, तुम भी स्टडी कर सकते हो, तुम भी पैसा डाल सकते हो, और जितने टाइम्स उनका पैसा ग्रो करेगा उतना ही टाइम्स तुम्हारा पैसा भी ग्रो करेगा। तो इट इज अबाउट कितने टाइम्स तुम ग्रो करते हो, और कंपाउंडिंग से बड़ी जादुई चीज कोई नहीं है, ठीक है। समझेंगे उस चीज को भी, आगे समझेंगे, देखते हैं।